हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश वासियों को मिली है बड़ी सौगात। यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, जिससे रीवा सहित प्रदेशवासियों को मिली है बड़ी सौगात। इस एयरपोर्ट को व्यावसायिक उद्योग से जुड़े लोग बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। वहीं आम जनता हवाई जहाज उतरते व उड़ान भरने की बात पर प्रसन्न दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। शुरुआत में रीवा एयरपोर्ट में दो फ्लाइट चलेंगी। इसमें एक भोपाल से खजुराहो होते हुए रीवा पहुंचेगी, इसके बाद सिंगरौली जाएगी। वहीं दूसरी रीवा से जबलपुर होते हुए भोपाल आएगी। अभी फ्लाईबिग नाम की कंपनी ने 19 सीटर विमान यहां चलाने का फैसला लिया है। धीरे धीरे करके रीवा एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि प्रदेश का हर जिला इस कनेक्टिविटी से जुड़ सके। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि खेत से थाली तक सब्जी के मूल्य के अंतर को कम किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पादों अर्थात सब्जियों की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान जब 5 रुपए में सब्जी बेचता है, वहीं उपभोक्ता को 50 रुपए चुकाना पड़ता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है, इसके लिए सरकार काम कर रही है ताकि किसानों को भी राहत मिले और उपभोक्ताओं को भी राहत मिले। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती हैं ताकि शहरी उपभोक्ताओं को सब्जियां उचित दरों पर मिले और किसानों के हितों की रक्षा हो सके। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि अगले महीने से पूरे देश में कृषि चौपाल शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने देश भर में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के कामकाज को ठीक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस प्रकार कृषि मंत्री चाह रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी सही दाम मिले, इसलिए इन दोनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक समिति गठित करेगी ताकि इस अंतर को कम किया जा सके। दोस्तों, पानी के टैंकर में छिपा कर ले जा रहे थे 81 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी शराब माफिया अवैध शराब के परिवहन का नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला धार जिले के पीथमपुर में देखने को मिला है, जहां शराब तस्कर पानी के टैंकर में अवैध शराब का परिवहन कर ले जा रहे थे, जिसे पीथमपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके कब्जे से 81 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल पीथमपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर एक पानी के टैंकर को रोककर तलाशी ली गई, तो टैंकर के अंदर पानी की जगह अवैध रूप से रखी हुई 81 पेटी विदेशी शराब मौके से जब्त कर ली गई। वहीं अब पुलिस ने टैंकर मालिक तथा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। दोस्तों, ऑनलाइन ऑर्डर में भी ठगी हो रही है। ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी 500 रुपए की स्मार्ट वॉच, लेकिन पार्सल में निकला 5 रुपए वाला घड़ी साबुन, जिसके चलते पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। दीपावली को देखते हुए साइबर ठगी के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए जालसाजों ने अब फर्जी ऑनलाइन चेन बना ली है, जिसमें फंसकर लोग अपनी कमाई गंवा रहे हैं। ग्वालियर में ही एक ठगी का ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने 500 रुपए की स्मार्ट वॉच ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लेकिन उसके पास पहुँचे पार्सल में 5 रुपए वाला घड़ी साबुन मिला। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। पुलिस थाने में डिलीवरी बॉय का कहना है कि इसे रिटर्न कर पैसे वापस आ जाएंगे। यह सब कंपनी की गलती से हुआ है और यह ठगी फ्लिपकार्ट से हुई है। उधर पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है, हम मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें, ऑनलाइन ठगी से जरूर बचें। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है जन अभियान परिषद सम्मेलन का शुभारंभ। उन्होंने कहा कि गांव बचेंगे तो देश बचेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भोपाल में जन अभियान परिषद सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन के कल्याण के लिए समर्पित
जन अभियान का गठन हुआ है। समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने की चेतना को जगाए रखने का काम जन अभियान परिषद करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे गांव बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। हमारी मूल संस्कृति गांवों से जुड़ी है और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जन अभियान ने उसी गांव की मूल आत्मा को बचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत गाँव का अपना जल स्रोत होगा, अपना ऊर्जा स्रोत होगा। हम वहाँ खेती किसानी को लेकर क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि ग्रामवासियों का विकास हो सके। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश में सैनिकों के बहन बेटी की शादी में सरकार देगी 51,000 रुपए। भोपाल के बैरागढ़ में रविवार को पूर्व सैनिकों की रैली आयोजित हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब शहीदों के बहन बेटी की शादियों में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए की सहायता देगी। साथ ही सैनिकों की मां को हर माह मिलने वाली सहायता 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि पहले एक मुश्त एक ही व्यक्ति को दी जाती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। आधी राशि पत्नी को दी जाएगी और आधी राशि माता पिता को दी जाएगी ताकि शहीद के माता पिता तथा पत्नी का भी भरण पोषण हो सके। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 नवंबर को कर सकते हैं इसकी घोषणा। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 40% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाने की मांग सभी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के स्थापना दिवस अर्थात 1 नवंबर पर इसे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इसका लाभ जनवरी 2024 से दिया जाएगा या फिर अक्टूबर से वृद्धि की जाएगी, यह निर्धारित होना अभी बाकी है, क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 3 किस्तों में एरियर दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, सोयाबीन किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर को MSP पर सोयाबीन खरीदी के पंजीयन की अंतिम तिथि है। इसके बाद 25 अक्टूबर से प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो जाएगी। लगभग 25 सालों बाद प्रदेश सरकार MSP पर सोयाबीन की खरीदी करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में MSP पर सोयाबीन खरीदी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान ने अधिकारियों से बैठक कर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बैठक में सोयाबीन खरीदी के नियम के साथ साथ रबी सीजन के लिए खाद, फसल ऋण योजना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में जानकारी दी गई है कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी जो 31 दिसंबर तक चलेगी। वहीं खरीदी केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। साथ ही टोकन व्यवस्था लागू कर किसानों को लंबी कतारों से भी बचाया जाएगा। वहीं प्रदेश में सोयाबीन खरीदी के लिए 1400 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कहा गया है कि यदि जरूरत पड़ी तो और अतिरिक्त खरीदी केंद्र खोले जाएंगे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं फसल भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि खरीदी गई सोयाबीन को गोडाउन में पहुँचाने के 2 दिन के बाद में किसानों को उनके बैंक से आधार लिंक खाते में फसल का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। ये सभी जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।